दोस्तों, आज है 21st of December 2021 और हम हैं अभी धर्मशाला में। तो हम अब एक या दो व्लॉग्स अब धर्मशाला के ऊपर निकालेंगे। मैं और मेरे दोस्त धर्मशाला घूमने आए हैं, तो हम पहले तो शूट नहीं कर पाए जब हमने स्टार्टिंग की, तो हम आज से शुरुआत करेंगे। आपको मैं सारी कहानी बताता हूँ हमारे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ, कैसे हम यहाँ पहुँचे, कब हम यहाँ पहुँचे। और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ दैट लाइफ सेवियर वाइब्स में। और एक बात ध्यान रखें कि हमारी सिर्फ एक ही टैगलाइन है, क्यों ना कुछ अलग करें, किसी को खुश रहने की सलाह ना देकर उनकी वजह बने। हम यहाँ कैसे पहुंचे, कितने बजे पहुंचे और हमारे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे लोगों ने हमें ब्लफ किया, ये भी आपको बताते हैं। तो चलिए पहले नीचे चलते हैं और आपको बताते हैं। अब मैं आपको अपने हॉस्टल का रूम टूर देता हूँ और बताता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, बाहर कैसा नजारा है। हमारा हॉस्टल है द शैलम बैकपैकर्स इन। और एक बात आप भी याद रखना कि दो बैकपैकर्स है यहाँ पे, एक में कंफ्यूज मत होना क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। मैं आपको अपने हॉस्टल का रूम टूर देता हूँ। रूम टूर के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ ये देखिए, एक बेड, दूसरा बेड, थर्ड बेड, फोर्थ, फाइव एंड सिक्स। और ये देखिए यहाँ पे लोग रह रहे हैं, सबके बैग जैसे बाहर पड़े हैं। और दो हमें रेंटम भी मिल चुके हैं, एक मुंबई से और एक पंजाब से। तो मैं तब तक आपको ये बताता हूँ कि हम यहाँ पहुँचे कैसे। तो हम शिमला से आए बस में, जिसे HRTC की मिनी AC डिलक्स बस होती है, ट्रैवलर टाइप होती है, उसने हमें यहाँ पहुँचा दिया सुबह 4:30 बजे। अब 4:30 बजे हमें ये पता नहीं था हमें जाना कहाँ है, तो 4:30 बजे फिर हमने कैब की और मैक्लोडगंज के लिए। तो वहाँ हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे जो ये हॉस्टल है उसका नाम है शैलम बैकपैकर्स, और रास्ते में एक और बैकपैकर आता है, फिर वहाँ हम कन्फ्यूज़ हो गए और टैक्सी वाले ने हमें पिछले वाले बैकपैकर्स भी उतार दिया जो इससे 4 किलोमीटर दूर था। और सुबह के बज रहे थे 5 जब हम उस टैक्सी से उतरे। फिर 5 बजे हमने 4 किलोमीटर रात को इस जंगल में अकेले आए। कुछ मोमेंट्स आपको दिखाऊंगा, मैं आके शेयर करूंगा। और यहाँ आके हम पहुँचे 6 बजे। फाइनली सुबह के 5:17 हो चुके हैं और मैं, आर्यन और मेरे क्लासमेट्स आए हैं अभी घूमने। तो अभी हम एक टैक्सी में आए, उस टैक्सी वाले ने हमें आधे रास्ते में छोड़ दिया, वो भी सुबह 5:15। अब हमने जाना है शैलम बैकपैकर्स और वो है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह ही पैदल। चलो तब तक आपको रास्ता दिखाते हैं, कंटिन्यू। भैया धर्मकोट वाला रास्ता कौन सा है? धर्मकोट वाला इधर से भी जा सकते हैं, सीधा ही है वो। शैलम बैकपैकर्स कहाँ पे है? इधर से अगर ऊपर रोड से जाओ, धर्मकोट जाना रहा। शैलम बैकपैकर्स कहाँ पे है? दूर है, टैक्सी लेनी पड़ेगी यहाँ से। टाइम हो गया है सुबह के 5:24। ये हमारा हॉस्टल जहाँ हम रुके थे रात को। ये आगे हमारे आयुष भाई चश्मा देखे, इनकी वजह से हम लेट हो गए। सेलिब्रिटी हो रहे भाई, सब कुछ बहुत बढ़िया दिख रहा है। नाउ आई विल टेक द चार्ज। हम बक्सू वाटरफॉल के लिए आज निकल चुके हैं, रास्ता हमें पता नहीं है, बस पूछ के चल रहे हैं। ये पीछे पीयूष, आर्यन और एक और आर्यन आके चला हुआ है, उससे भी मिलाते हैं। भाई जी आ जाओ आप भी। ये हेलो। तो अभी हम सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट करें कहीं पे। तो एक तो हमें ये मिला बुद्धा डिलाइट यहाँ पे, ये मैप लगा रहे वहाँ पे। वाटरफॉल का रास्ता कहाँ से जाता है? बक्सू वाटर रास्ता। हाँ बक्सू होता है। कहाँ पे होता है वो? यहाँ पे आपको छोटा जैसा रास्ता मिला ना। कहाँ पे मिला? नलके है ना, और उसके यहाँ पे चल जाओ, सीधा चल जाए। ठीक है, बाय 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 बाय, सी यू टाटा, गुड बाय, बाय बाय। तो आपने देखा अभी बच्चों से रास्ता पूछ रहे, उन्होंने मैप भी लगाया हुआ है। देखते हैं हम कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ पे वो नलके जहाँ बच्चों ने बताया। ये वो नलका जहाँ से बच्चों ने राइट बोला, और ये वो रास्ता है, ये किसको ही मिलेगा।
आपको लगता कभी ये रास्ता हमें दिखना था? ये तो आंटी जी ने हमें बता दिया, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बोला कि ये रास्ता सीधे तुम्हें सड़क में लेके जाएगा। अब देखते हैं कहाँ वो सड़क है। लेट्स मूव। और फाइनली अब हम सड़क में पहुंचने वाले हैं। ये फाइनली हम सड़क पहुंच चुके हैं। चलिए, अब आर्यन लीड कर रहा है, पता नहीं कौन से रास्ते से लेके जा रहा है। आंटी जी नमस्ते। आंटी जी, आंटी जी, भक्सू वाटरफॉल के लिए कहाँ से रास्ता? नीचे वाला वहाँ पार से ऊपर को? ठीक है, अच्छा वहाँ से मतलब उस कोने से ऊपर को चढ़ना हमारे को। ठीक है आंटी जी। तो देखा आर्यन ने हमें गलत रास्ता बताया, ये है वो। थैंक यू। इतने सस्ते में देखो ये, अब ये देखो ये बाहर दूँ। ये रास्ता जाएगा मतलब जंगल से जाएगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मार्केट नहीं जा रहे हैं। इधर चलते हैं नीचे से। नीचे से कहाँ, ऊपर चढ़ाई में है वो। भाई सर तो सड़क को सड़क जाएंगे तो तुम्हें गाड़ी में जाना वो है। चढ़ाई में भक्सू वाटरफॉल है। खा ले कुछ नहीं तो पता लगेगा फिर। नहीं नहीं रुक जा भैया, क्या रुपये दर्जन है केले? 70 रुपये आधी दर्जन दे दो। एक केला एक्स्ट्रा कितने हम? 4 हैं हम। 2, 4, 6, 8 8 केले दे दो आप। ये मना कर रहे थे केले लेने को, सबसे पहले केले लेके सबसे आगे चले गए। पर्सनल लाइफ हम इंटरफेयर कर रहे हैं पर्सनल लाइफ में इनकी। केला खाते हुए भक्सू वाटरफॉल की तरफ बढ़ते हुए। और यहाँ मैप दिया है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा मैप भी लगा हुआ, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ये रहा बी कैफे, ये वाटरफॉल मतलब यू आर हियर, हम यहाँ पे हैं। यहाँ जाना होगा, यहाँ जाना है यहाँ। तो हमारे को तो मैप देख के पता लग रहा है कहाँ को जाना है। यहाँ जाना है, हल्के से लेफ्ट लेना है। अब हम फाइनली बिल्कुल सही रास्ते पर आ चुके हैं, क्योंकि अब हमें लोग दिख रहे हैं इस रास्ते पे जाते हुए। आपको भी दिखाते हैं, हम उन्हें कैच करेंगे और उन्हें फॉलो करेंगे। देखिए फाइनली हम भक्सू वाटरफॉल के रास्ते में आ चुके हैं। जोश जोश आ रही है, जोश आर्यन में कोई जोश ही नहीं है। बहुत ही सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर। हम अपनी डेस्टिनेशन पे लगभग पहुंच ही चुके हैं, बस कुछ मीटर्स दूर है। आपको भी दिखाते हैं कैसी डेस्टिनेशन है। सो आर्यन थोड़े साइड हो जा। नहीं, ये फाइनली यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य। क्या फोटो आएगी भैया, आप बीच में घुसे क्या फोटो आएगी, बीच में घुस के चलो। तो मैगी का हम वेट कर रहे हैं। यहाँ है भाई, सब कुछ ही खा चुके हैं, इतना जोर दिया उन्होंने खाने को। ये देखिए थोड़ा भी इंतजार नहीं हुआ इनसे कि हमारे लिए रुके, और हम तीनों ऐसे ही बैठे हुए हैं। और ये देखिए, ये बेचारे इनको ही देखे जा रहे हैं कि कब जैसे इनका क्या खत्म होगा।
और कब हमारी मैगी आएगी। एक बार आप यहाँ देखिए तो सही कितने ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है वाटरफॉल जिसके लिए हम शिमला से यहाँ पे आए हैं। आर्यन कह रहा है कि फ्लाइंग बीस्ट यहाँ पे आ रहा है, ड्रोन ऊपर उड़ रहा है। लोग कपल भी हैं। ये देखिए, ये भैया, ये वाले भैया ड्रोन ही यूज कर रहे हैं यहाँ पे, फ्लाइंग बीस्ट नहीं आए।